करो बंद 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 करो। मैं रूट दिखाइए। ओके, मौजपुर और सेंट्रल सेक्रेटेरिया, लोडिंग प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन। देखते हैं कितनी दूर है। मौजपुर वेलकम, शास्त्री पार्क, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। अरे अरे अरे, इतनी बार की तू कहीं कितनी बार इंडिया गेट गया हूँ। ये है हमारे मौजपुर बाबरपुर का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमने ली अपनी मेट्रो और ये है मेरा दोस्त आरिश, मेरे बचपन का स्कूल का दोस्त। और आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट क्योंकि हमारे भाई ने इंडिया गेट बहुत ही कम ही बार से गए हुए हैं। तो मेट्रो से जाना सबसे बेस्ट आइडिया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था यार। हम जो गए थे ना, हम गए थे इवनिंग टाइम में इस पागल की वजह से, क्योंकि दोपहर में तो पहली बार धूप हो रही थी, तो उसने भी सही कहा कि भाई दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो उस वजह से जा नहीं पाएंगे। तो हम शाम में गए थे कि लाइटिंग वगैरह भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। हमने भाई गलती से गिरा दिया मेट्रो का टिकट बाहर, तो फिर डायरेक्टली डस्टबिन में भी डाल दिया। इंडिया को अमेरिका नहीं, अमेरिका से भी साफ बनाना है। प्लीज़ यार, डस्टबिन का यूज़ वगैरह कर ही लिया करो, ठीक है। General Secretariat, exit gate number 3. मैं भी फिलहाल इंडिया गेट गया था काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी टाइम के बाद। तो मैंने लाइटिंग के अलावा और कुछ वहाँ कुछ एग्जैक्टली कुछ नई चीज़ देखी थी। लाइटिंग अच्छी कर दी उन्होंने और ये भूतिया पेड़ जो कि लग रहा था कि कहीं सारी आत्माएं रहती हैं इसके ऊपर। इससे ज़्यादा पागलपंती करी ना साले, अब रैपट मार दूँगा, इधर चल। तो ये है मेरा दोस्त आरिश, मेरा बचपन का दोस्त। हमने स्कूल साथ में पढ़ा है और काफ़ी सारे एडवेंचर्स पे भी हम साथ में गए। और इसके साथ जाने का वन ऑफ द बेस्ट रीजन मुझे लगता है क्योंकि इसके बंदे के पास इसके दिमाग में ज्ञान होता है और ये ज्ञान बहुत ज़्यादा पीड़ता है। वो तो वीडियो में तुम्हारे पता चली जाएगा। गूगल अंकल जिंदाबाद। यार नेट नहीं चल रहा है। एक्सप्लोर इंडिया गेट, 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 इंडिया गेट। ये आंटी भाई ऐसे पुतला बनकर खड़ी हो गई, मतलब बीच में एकदम कैमरा के, मतलब इन्हें पता भी नहीं चला कि भाई फिल्मिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है। मैं वहाँ पे अपना वाइट टी शर्ट में अपना देख रहा था कुछ वगैरह और ये बच्चा आ गया एकदम बीच में से। अब क्या फिल्म है भाई। सभी लोग देखने तो इंडिया गेट गए थे लेकिन हम वहाँ सिर्फ नई चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए गए थे कि आखिरकार वहाँ चल के रहा है। तो जो भी हमने एक्सपीरियंस करा वो हाजिर है। आरिश भाई कहाँ पर है? सच में अब मैं करने जा रहा हूँ एक सीरियस कन्वर्सेशन अपने दोस्त के साथ। चल मैं तुझसे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स करूँगा लाइफ रिलेटेड। मुझे लगता है कि हमें खाली अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके। और यहाँ भी इसने ज्ञानी बनना शुरू ही कर दिया। हाँ। उनके आंसर देते हुए खाली तो अपनी वीडियो में ट्रिम कर दियो अंधेरा अंधेरा और तू कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन डालियो, मैं दे दूंगा। हाँ कर लेते, लाइट बंद कर देते, लाइटें बंद कर दी जाएँ दिमाग के अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं मुझे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ये अपने भेजे के अंदर रखते हैं। तो देखते हैं आरिश भाई के पास क्या है हमें देने के लिए। तो यार ये क्या कह दिया, मतलब इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में। तो शुरू करते हैं सवाल पूछना वन बाय वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरिश और मैं आज कुछ सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ अयान के। भाई लाइट बंद हो गई यार। लाइट बोल। ये बना रहा तुम्हें चूतिया। ये ऐसा ट्रीट करता है, ये वो फ्री इंसान, ये फ्री इंसान नहीं है। वो घर में नहा धो के ऐसे एक्टिंग करता है यार, तो फ्री है भाई पूरा दिन बिजी रहता है, ये लैपटॉप चलाता है, ये एडिटिंग करता है, कुछ नहीं करता भाई। इनशॉट नाम का ऐप उसमें वीडियो बनाता है, जहाँ जाता है उसको क्लिप ले देता है बस, और कुछ नहीं करता ये भाई। देखो मैं हूँ सच्चा इंसान, मुझे बना रहा बनावटी। मुझसे कह जा रहा तेज बोल, मुझसे कह जा रहा फनी फनी बातें बोल, मुझसे कह जा रहा है ऐसे सवाल पूछ जो मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं उन्हें पसंद आए। कैसे बात कर लूँ भाई, मुझे कोई स्क्रिप्ट दिए तो लिखिए। इसके साथ कन्वर्सेशन करना वाज कम्प्लीटली अ बैड आइडिया। बहुत बढ़िया भाई, लेकिन यार दला इल्ला है। नहीं सही है, सीधा खड़ा भाई हेलियो मत बिल्कुल भी है ना। यहाँ मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार इसकी मजाक उड़ाने नहीं चाहिए थी हमें वैसे, क्योंकि बंदा अपना काम ही कर रहा है यार। टैलेंट है भाई, सही है भाई ऐसी चीज यार मजाक से किया जा। चल भाई सिंपैथी देने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट भी डाल दे। अबे भाई का यूट्यूब चैनल भी है ब्रो। यूट्यूब चैनल है भाई का? हाँ। ओ मेरी जान, माय यूट्यूब चैनल गैंग ऑफ दोस्ती, बस दिखा दी। गैंग ऑफ दोस्ती के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कैसे पता चलेगा भाई कि तू मर गया है या मैं मर गया हूँ? है भाई किस चीज़ के मतलब?
फॉर एग्जांपल अल्लाह मेरे को पास दो नंबर से हम या फिर खाली मैं सुबह का सूरज ना देख पाए कल। हाँ ये बंदा कभी भी अजीब और गरीब बातें करना बिल्कुल इशू करता है। फिर तू तो बहन अपने ऑफिस चले जाएगा ये तो पता ही नहीं चलेगा। ओ भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एक दो घंटे के अंदर दफन हो जाऊँ। इसी तरह की बातें सुनने के लिए मैं इसके साथ ट्रैवल करता हूँ। भाई हाथ रख ले फिर भी। अब होगी मेरी टक्कर एक आंटी जी से। दोबारा चलते हैं अंदर। भीड़ लग कम है भाई। जो सामने वाला देख रहे हो ना फाउंटेन, यहाँ पे बचपन में जब मैं आया करता था ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैं यहाँ पे नया भी हूँ भाई। अलग से धक्का दे दूँगा अबे तो रोने पा गया यार। इतने सारे लोग एक जगह पर, कोई अपनी जीव के साथ, तो कोई अपने वाइफ के साथ, कोई अपने पेरेंट के साथ, तो कोई अपने दोस्तों के साथ। डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट रोल्स, और सभी एक साथ एक जगह पर इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे दो लोग वगैरह देखने के बाद मेरा मन कर रहा था सबके फ़ोन निकलवा कर अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दूँ। आज तक कभी भी मेरी रैगिंग नहीं हुई है, और इस टाइम मेरी रैगिंग होने जा रही थी इंडिया गेट पर। जिसने भी भोले भटके से सब्सक्राइब कर लिया हो वो अपने अलग हो जाओ। ये बनावटी इंसान है, कुछ भी रियल नहीं है। ये सुबह काम पे जाता है, मजदूरी में का मूड होके वीडियो बनाता है, घर वाले जब सो जाते हैं घर में तक किसी को नहीं पता ये बना रहा पागल। अपना भी एक इंशॉर्ट नाम का ऐप है, गाना लगाता है पीछे पीछे गाना लगा देता है वो बन गया व्लॉग। हाँ और बीच बीच में क्लिप डाल देता है बन गई जी वीडियो। ये बंदा मेरी प्राइवेट लाइफ की धज्जी उड़ाया जा रहा था कसम से। रोहित मेरा को जैसे छेड़ रहे थे ना जादू में, मेरा ना बैग छेड़ गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल छीन के भागता ना बैग, छीन के भाग। अबे यार जैसे वो, अरे यार कोई मिल गया नहीं देखी क्या? भाई इन बंदों से तगा रैगिंग करने के लिए, लेकिन भाई इन्होंने सुनी नहीं बिल्कुल। अच्छे इंसान यार ये, मजा ही नहीं आया भाई। इतना ट्राई करा यार कि बंदे रैगिंग करें भाई, ये तो इतने मतलब बड़े इनोसेंट बंदे थे यार, मतलब मेरा रैगिंग वाला सीन नहीं हो पाया। काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, तो फिर हम चल दिए डायरेक्ट अपने घर। पूरी मेट्रो खाली, सिर्फ हम दोनों पूरी मेट्रो के। क्या बोलते हैं? शेर तो देखो, शेर तो देखो, खड़ा ही सामने सामने खड़ा बस भाई, कितना सामने देखो कितने इंसिक्योर करेगा भाई। शेर ही कहते हैं, शेर मत बोलो यार, सिर्फ बोलो चीता ही कहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बनाए हैं सिर्फ दो दोस्त, पहला ये शहदूर, दूसरा ये आरिश। एक सेकंड कैमरा एंगल स्विच कर लूँ पहले। हाँ तो कहीं भी मुझे जाना होता है ना ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं सिर्फ इन दोनों के साथ ही जाना पसंद करता हूँ। और इन दोनों के साथ जाने का रीज़न ये है क्योंकि इन दोनों से ही सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइब मैच हो सकती है। बाकी और मेरे दोस्त हैं लेकिन मुझे उनके साथ घूमना पसंद नहीं है, और अदर देन दिस टूज। तो ये वाली जो ट्रिप है हमारी वो थी इंडिया गेट की, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली अनप्लान थी, और अनप्लान ट्रिप्स पर ही जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, रादर देन कि एक हफ्ते पहले से अपना ट्रिप जाने का प्लान बना रहे हैं, एक महीने से ट्रिप जाने का प्लान बना रहे हैं कि भाई वहाँ जाना है, एंड देन जब पॉइंट आउट चलने का वो फिर सब एकदम मना कर देते हैं भाई नहीं जाना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मैं जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँगा, जो मेरी वीडियोज़ लेंदी हो रही हैं 18 मिनट की 20 मिनट की, वो लेंदी वीडियोज़ ना बना कर मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँ ताकि इंगेजमेंट ज़्यादा हो सके, क्योंकि लंबी वीडियोज़ एकदम से नहीं देखी जाती है रादर देन शॉर्ट वाली से। तो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट की वीडियो कम से कम चलेगी, 7 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भाई। एडिटिंग करना ही बस मार देता हूँ भाई। वीडियो में अगर जरा से भी चेंजेस करने की जरूरत हो ना यार, फेल फेल टू कमेंट बाय।